पश्चिम बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच एंटी रे बिल पास, बीजेपी नेता शुभेंद्र अधिकारी कर रहे हैं संशोधन की मांग। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिल को बताया ऐतिहासिक, सरकार मौजूदा स्वरूप में ही पास करा दे। चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने बिल को बताया जरूरी, कहा अपराजिता बिल बीएनएस बिल से कहीं ज्यादा कठोर। एंटी रेप कानून के तहत जिला स्तर पर टास्क फोर्स होगी गठित, 21 दिनों के अंदर पेश करनी होगी शुरुआती जांच रिपोर्ट। एंटी रेप कानून में दोषी को 10 दिन में फांसी देने का प्रावधान, अंतिम सांस तक जेल में कारावास का भी नियम। आरजीकर अस्पताल मामले को लेकर विधानसभा में बोली ममता बनर्जी, कहा हमने 12 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार को लेकर भी पेश की संवेदनाएं, कहा दोषियों को जल्द से जल्द होगी कड़ी सजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच की भी किया जिक्र, कहा मुझे न्याय चाहिए, दोषियों को मौत की सजा मिले। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में असफल रहने का लगाया आरोप, प्रधानमंत्री मोदी से मांगा इस्तीफा। डॉक्टर्स को कसाई कहने के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद तृणमूल कांग्रेस की नेता अरुंधति मैत्रा ने दी सफाई, कहा डॉक्टर हमारे लिए भगवान है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश जारी, 5 साल की बच्ची पर किया हमला। बहराइच में भेड़िए के हमले से घायल बच्ची का परिवार दहशत में, बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। रेस्क्यू की गठित टीमें लगातार कर रही हैं मॉनिटरिंग, लाठी डंडों के साथ ग्रामीण भी दे रहे हैं पहरा। आदमखोर भेड़िए से निपटने के लिए गांव वालों ने लगाई बजरंग बली से गुहार, सुंदरकांड का किया पाठ। वन्य जीवों के बढ़ रहे हमले को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश, संवेदनशील जिलों में गश्त बढ़ाने को कहा। ब्रुनेई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता के लिहाज से अहम दौरा। ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, सुल्तान हसनल बोल्किया ने भेजा था निमंत्रण। भारत ब्रुनेई के डिप्लोमेटिक संबंधों के 40 साल पूरे, रक्षा के क्षेत्र में हो सकते हैं कई बड़े समझौते। पीएम लॉरेंस वॉन्ग के निमंत्रण पर पीएम मोदी सिंगापुर भी जाएंगे, 4 और 5 सितंबर को करेंगे प्रवास। सिंगापुर से द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने पर होगा जोर, दोनों देशों में हो सकते हैं कई रणनीतिक और कारोबारी समझौते। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। कल रामबन और अनंतनाग की यात्रा करेंगे राहुल गांधी, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों के लिए होना है चुनाव, 18 सितंबर को कश्मीर डिवीजन में 16 को और जम्मू डिवीजन में 8 सीटों पर होगा मतदान। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की राहुल गांधी ने की सराहना, कहा यह बीजेपी अन्यायपूर्ण नीति है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलडोजर जस्टिस को बताया गलत, कहा वर्तमान कानून अपराधियों से निपटने में सक्षम। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी और जेडीयू के बीच हो सकता है गठबंधन। झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी का सकारात्मक रुख, पहले चरण के लिए गठबंधन पर बातचीत करेगी बीजेपी। एलजेपीआर के साथ भी हो सकता है गठबंधन, बीजेपी का केंद्र नेतृत्व करेगा फैसला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा पीएम विदेश जाकर शांति की बात करते हैं, उनके नेता यहां मारने काटने की बात। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन यहां तो डबल स्टैंडर्ड जो है वो नजर आ रहा है, क्या है भाई।
दरभंगा में तेजस्वी के बयान पर बीजेपी विधायक का पलटवार, कहा एनडीए की सड़कों पर तेजस्वी कर रहे हैं सुरक्षित यात्रा। लालू राबड़ी राज में खराब सड़कों पर चलने वाले लोगों की होती थी अंतिम यात्रा। आरएसएस के जाति आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर बोले कांग्रेसी नेता जयराम रमेश, उठाए कुछ बुनियादी सवाल। एमवीए के जूता मारो आंदोलन पर बोले अजीत पवार, कहा फोटो पर जूते क्यों मार रहे हो, हिम्मत है तो सामने आओ। ओवैसी का तंज भरा बयान, मुस्लिमों पर हमला करने वाले झुंड में आते हैं, अकेले कभी हमला नहीं करते। ये ग्रुप में मारते हैं, वन टू वन कभी नहीं आते, और उनके जेब से 2800 रुपए भी छीन लिए ये तमाम जालिम लोग। वेब सीरीज IC 814 विवाद को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय के सामने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड की पेश, मंत्रालय ने कहा हर हाल में हो भारतीय संस्कृति का सम्मान। दो लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार की बड़ी राहत, अब 30 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं संपत्ति का ब्यौरा, पहले 31 अगस्त तक दी गई थी उपमियाद। यूपी शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास का किया घेराव, अभ्यर्थी कर रहे हैं नियुक्ति की मांग। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में ABVP कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, DC ऑफिस में की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारी ABVP कार्यकर्ताओं में कुलपति के कार्यालय में जबरन घुसने की कोशिश की, VC दफ्तर का दरवाजा तोड़ते दिखे प्रदर्शनकारी। हैदराबाद नगर निगम ने शहर में भारी बारिश को लेकर जारी किया हाई अलर्ट, मेयर ने अधिकारियों को कंट्रोल रूम पर आने वाली हर शिकायत का तुरंत जवाब देने के दिए निर्देश। तेलंगाना के खम्मम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे। गुजरात में भारी बारिश से पंचमहल बांध का बड़ा जलस्तर, खोले गए कई गेट। पनम बांध में भी छोड़ा गया 20,300 क्यूसेक पानी, पानम नदी का बड़ा जलस्तर। कराड़ बांध का जलस्तर बढ़ने से कराड़ नदी का बड़ा जलस्तर, घुंगबा और कालू समेत कई गांव को किया गया अलर्ट। गुजरात में एक बार फिर बड़ा भारी बारिश का खतरा, भरूच और सूरत में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। गुजरात के तापी में भारी बारिश का कहर, दो लोगों का कोस्टगार्ड ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया, SDRF टीम ने 20 लोगों की बचाई जान। गुजरात के डाग में भारी बारिश से बड़ा खपारी नदी का जलस्तर, पहाड़ों पर आने जाने वाले लोगों पर लगाई रोक। नवसारी में भी भारी बारिश से अंबिका नदी का बड़ा जलस्तर, कई गांवों को किया गया अलर्ट। गुजरात में लगातार हो रही बारिश से नमक उद्योग का भारी नुकसान, साल 2017 से ज्यादा नुकसान होने की संभावना।